हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस सैप चैंपियनशिप के मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस लेबनान के बीच। मैच का वेन्यू होगा बेंगलुरु इंडिया एंड किक ऑफ होगा रात में 7:30 PM पे। तो इंडिया ने अपने ग्रुप में फिनिश किया था सेकंड में और आपको याद होगा कि कुवैत से हम जस्ट एक पोजीशन नीचे फिनिश किए थे। ऑल्दो हमारा और कुवैत का जो था सब चीज़ गोल डिफरेंस वगैरह सेम था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक गोल हमसे ज़्यादा मारा था, इस वजह से हमने सेकंड फिनिश किया। जबकि लेबनान ने अपने ग्रुप में फिनिश किया नंबर वन में और इस वजह से यहाँ पर इंडिया और लेबनान के बीच ये सेमीफाइनल होने वाला है। अब आपको याद होगा हाल ही में हमने इस सैफ चैंपियनशिप से पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला था और उसमें हमने दो बार लेबनान को फेस किया था। एक बार हमने ग्रुप स्टेज में फेस किया था जहाँ पे गोललेस ड्रॉ हुआ था, उसके बाद हमने फाइनल में 2-0 से लेबनान को हरा दिया था। तो लेबनान हाल फिलहाल में हमारे साथ काफ़ी खेली है और हमने इनको एक बार हराया भी है। अब फिलहाल मैं आपको एक बार दोनों टीम का ग्रुप स्टेज के मैचेस का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो इंडिया ने ग्रुप स्टेज के मैचेस में सबसे पहले 4-0 से पाकिस्तान को हराया। सुनील छेत्री हमारे लीजेंड ने इसमें हैट्रिक मार दी, उदंता का गोल था और अनवल अली का एक असिस्ट था। सेकेंड मैच में इंडिया ने हराया 2-0 से नेपाल को, इसमें भी सुनील छेत्री का गोल था, नौरव महेश सिंह का गोल था और महेश का ही एक असिस्ट था। और थर्ड मैच में हमने एक 1-1 ड्रॉ खेला और इस मैच में भी सुनील छेत्री ने गोल मारा और एक असिस्ट जो है अनिरुद्ध थापा ने प्रोवाइड किया था। तो हमने ग्रुप में दो मैचेस लगातार जीते, उसके बाद एक ड्रॉ खेला। और लेबनान के ग्रुप स्टेज के मैचेस आप देखेंगे तो पहले मैच में उन्होंने 2-0 से बांग्लादेश को हराया, बार्डर और मटूक ने एक एक गोल मारा, डार्विच और फरहान का एक एक असिस्ट था। सेकेंड में उन्होंने 4-1 से भूटान को हराया, बार्डर ने यहाँ भी गोल मारा, सादिक का गोल था, अलहाज और जैन सबका एक एक गोल था। और थर्ड मैच में भी उन्होंने 1-0 से नैरो मार्जिन से मालदीव्स को हराया, मटूक ने यहाँ पे गोल स्कोर किया था। ये मैंने आपको दोनों टीम का ग्रुप स्टेज का रिजल्ट दिखा दिया। दोनों ही टीम जो है बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिलहाल इस मैच की बात की जाए, ऑल्दो लेबनान हमको टक्कर दे सकती है, अच्छी टीम है, केपेबल है टक्कर देने में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक होम एडवांटेज होगा। दूसरा, हमने रिसेंटली लेबनान को फेस किया और हमने इनके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेला है, इस वजह से इस मैच में मैं टीम इंडिया को ही बैक करने वाला हूँ। तो स्मॉल लीग में मैं टीम इंडिया को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाला हूँ। बट आपको लगता है एक इवन मैच होगा तो यहाँ पे आप एक बैलेंस टीम भी ले आ सकते हैं या कोई बड़ा रिस्क टेकर हो चाहे तो लेबनान फेवर की टीम ले आ सकते हैं, लेकिन ये रिस्की मूव होगा। फिलहाल अभी के लिए स्मॉल लीग में मैं टीम इंडिया को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाला हूँ। सबसे मेन चीज, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे। पहले बात टीम इंडिया की करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये फेवरेट्स हैं। अभी मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं टीम इंडिया के मैक्सिमम 7 प्लेयर्स पिक करने वाला हूँ। तो हमारे लिए बड़ी न्यूज़ क्या है ना, संदेश जिंगन हमारे स्टार सेंटर पे इस मैच में सस्पेंडेड और एक बड़ा लॉस हो सकता है। कहीं ना कहीं इनके ना होने से थोड़ा बहुत हमारा डिफेंस वीक जरूर होगा, क्योंकि जिंगन अनवर अली की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड थी रिसेंट टाइम में, बट इनको दो येलो कार्ड की वजह से सस्पेंशन मिला, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस है। तो हमारी प्रोबेबल 11 पर नजर डालते हैं। अमरिंदर सिंह होंगे हमारे गोलकीपर, वैसे यहाँ पे हो सकता है गुरप्रीत सिंह संधू भी खेल सकते हैं, बट अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ अमरिंदर सिंह ही खेलने वाले हैं। अब इस मैच में ना गोलकीपिंग सिलेक्शन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 50-50 है। दोनों टीम अटैक करती है, लेबनान भी अटैक कर रही है और हम भी अटैक करते हैं, तो कोई भी गोलकीपर आपको अच्छे से सेव करके दे सकता है, लेकिन फिलहाल मैं लेबनान का गोलकीपर ले जा रहा हूँ। अभी मैंने अमरिंदर को पिक नहीं किया, लेकिन आप चाहे तो टीम इंडिया का गोलकीपर भी पिक करके चल सकते हैं। चार हमारे डिफेंडर होंगे, निखिल पुजारी, अब यहाँ पे जिंगन के प्लेस में मोस्ट प्रॉब्ली राहुल भैके या मेहताब में कोई एक खेलेगा। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ भैके खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मेहताब सिंह भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अनवर अली और आकाश मिश्रा, ये चार हमारे डिफेंडर्स हैं। अभी अगर इस मैच में मुझे किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा, मैं टीम इंडिया को करूंगा। होम एडवांटेज है हमारे पास, रिसेंटली हम ऑल्दो जिंगन नहीं है बट स्टिल हम डिफेंसिवली सॉलिड है, तो मैं मैक्सिमम डिफेंडर टीम इंडिया के पिक करके चल रहा हूँ। अभी मैं भैके अटैके बाकी तीनों को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि निखिल पुजारी और आकाश मिश्रा जो है दोनों अटैकिंग वाइज भी बहुत अच्छे हैं, दोनों डिफेंसिव भी अच्छे हैं। इनफैक्ट आपने वो फाइनल वाला गोल देखा होगा, उसमें क्या पुजारी ने बिहाइंड द बैक नटमैक किया था वो अभी भी याद आता है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल था। तो मैं इन दोनों को श्योरली पिक करूंगा, इसके साथ ही मैं अनवर अली को भी पिक करूंगा। ये डिफेंस में हमारे लीडर है जिंगन के एब्सेंस में, पीछे से बहुत लॉन्ग बॉल्स देते हैं, हेडर में अच्छे, डिफेंसिवली सॉलिड है, पासिस करते हैं। ऑल्दो लास्ट मैच में एक ओन गोल आ गया, गलती हो गई, लेकिन ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड रहा। तो अभी के लिए मैं निखिल पुजारी, आकाश मिश्रा और अनवर अली को पिक करके चल रहा हूँ। किसी एक को ड्रॉप करने में भैके को ड्रॉप करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि लो स्कोरिंग इंडिया विक्ट्री होगी तो आप फोर्थ डिफेंडर भैके या मेहताब में जो खेला उसको भी पिक करके चल सकते हैं।
मिडफील्ड में जिक्सन सिंह आपको डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं, डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूं, अभी और ज्यादा बेटर ऑप्शन मिले, बट आपको लग रहा है कोई अटैकर फ्लॉप जाएगा, आप उसके प्लेस में जिक्सन सिंह को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने जिक्सन सिंह को पिक नहीं किया। मैं मिडफील्ड में अनिरुद्ध थापा को 100% रिकमेंड करूंगा, ये मिडफील्ड के हमारे लीडर हैं, पूरा गेम ये मिडफील्ड से कंट्रोल करते हैं, डिफेंसिव वर्क करते हैं, क्रिएटिविटी है इनके पास, कॉर्नर्स लेते हैं, कभी कभी फ्री किक भी लेते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं। आई थिंक ये बिना गोल असिस्ट के 25-30 इनके गारंटीड पॉइंट आते ही आते हैं हर मैच में, तो मैं अनिरुद्ध थापा को यहाँ पे श्योरली रिकमेंड करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं हमारे कैप्टन लीजेंड सुनील छेत्री को 100% पिक करूंगा और मैं लालिंग ज्वाला छांगटे को 100% पिक करूंगा। छेत्री इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, ऑलरेडी 5 गोल मार चुके हैं, एक हैट्रिक भी है उनके नाम, पेनल्टी टेकर भी यही है और मोस्ट प्रॉबली हाई चांसेस है हर कोई इनको कैप्टन करने वाला है आज के मैच में, और इस मैच में डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है, इनसे कोई बेटर कैप्टनसी ऑप्शन इनके अलावा कोई है ही नहीं, तो छेत्री मैं पिक करूंगा और मैं गारंटीड इनको कैप्टन करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं छांगटे को भी पिक करूंगा, ऑल्दो छांगटे इस टूर्नामेंट में अभी तक गोल नहीं मार पाया, आई थिंक ये ड्यू है, इस बड़े मैच में अच्छा कर सकते हैं, ओवरऑल ये छेत्री के अलॉन्ग साइड हमारे वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर है, तो मैं छांगटे को भी श्योरली पिक करके चल रहा हूँ। बट इन केस आपको लगता है लास्ट 2-3 मैचेस की तरह छांगटे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो मे भी आप रिस्क टेकर है इनको ड्रॉप करके या तो फोर्थ डिफेंडर ले सकते हैं या आप जैक्सन सिंह को पिक कर सकते हैं, लेकिन मैं छांगटे को ट्रस्ट कर रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल फाइनल में भी इन्होंने गोल मारा था लेबनान के अगेंस्ट, आई थिंक ये ड्यू आज अच्छा कर सकते हैं, इनफैक्ट मैं इनको स्मॉलिंग में वाइस कैप्टन भी करने वाला हूं। अब साल अब्दुल समद और नौरव महेश सिंह में आप किसी एक को पिक कर सकते हैं, अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें नौरव महेश सिंह की बहुत बहुत अच्छी है, लास्ट टू लास्ट जो मैच हुआ था उसमें एक गोल और एक असिस्ट आया था, लास्ट मैच में भी बहुत अच्छे दिखे थे, डिफेंसिव ट्रैक बैक भी करते हैं, क्रिएटिविटी भी है और लेफ्ट साइड से कॉन्स्टेंटली अटैक बनाते हैं, इस वजह से अभी के लिए मैंने महेश को पिक किया, लेकिन आपको लगता है महेश फ्लॉप होंगे, साल अच्छा करेंगे आप साल अब्दुल समद को पिक कर सकते हैं, साल अब्दुल समद भी अच्छे प्लेयर हैं, अगर आप गेम प्ले वाइज देखेंगे अच्छे हैं, टेक ऑन्स वगैरह अच्छी करते हैं, लेकिन थोड़ा फिनिशिंग में इशू आता है, बट ओवरऑल प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन फैंटेसी वाइज ये बिना गोल असिस्ट के बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं देते हैं, अभी तक 3 मैचेस में इन्होंने फैंटेसी वाइज बिल्कुल भी पॉइंट नहीं दिए, तो ये कॉल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, महेश वर्सेस सैल अब्दुल समद वाला, अभी मैंने नौरव महेश सिंह पिक किया, लेकिन आप यहाँ पे सैल अब्दुल समद के साथ भी जा सकते हैं। तो ये टीम इंडिया की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीजें मैंने यहाँ से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, पेनल्टी हमारे कैप्टन सुनील छेत्री लेंगे और ये मैंने टीम इंडिया के इस टूर्नामेंट के अभी तक के स्टैट लिखे हैं। अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिला रहा हूँ, इस मैच की फाइनल टीम अपडेट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपोनेंट लेबनान की, तो साबे इनके गोलकीपर हैं, वैसे मैंने गोलकीपर अभी के लिए लेबनान के साबे को पिक किया, लेकिन यहाँ पे आप टीम इंडिया के गोलकीपर भी पिक कर सकते हैं, गोलकीपिंग सिलेक्शन एक 50-50 कॉल होने वाला है। 4 इनके डिफेंडर हैं, जाइन, शोर, ऑन और रजाक। फिलहाल मैं अभी के लिए लेबनान का कोई भी डिफेंडर नहीं ले गया हूँ, लेकिन इनके डिफेंस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है शोर। इनके डिफेंसिव नंबर बहुत अच्छे हैं, हेडर में भी ठीक ठाक है, अभी तक इन्होंने काफी अच्छा किया है, तो आपको इन केस किसी एक डिफेंडर को पिक करना है आप शोर के साथ जा सकते हैं, बाकी अभी के लिए मैंने कोई भी इनका डिफेंडर पिक नहीं किया। क्वार्नी इनके डिफेंसिव नंबर भी बहुत ज्यादा खास नहीं और मिनट भी अशोर नहीं, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं मिडफील्ड में स्रोर को पिक कर रहा हूँ, इनके भी डिफेंसिव नंबर मुझे ठीक ठाक लगे हैं, आई थिंक इस मैच में डिसेंट डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं, तो अभी के लिए मैंने स्रोर को पिक किया है। इसके अलावा मैं माटूक और साडेक को पिक कर रहा हूँ, जो माटूक हैं ये लेबनान के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, हर चीज ये करते हैं, कॉर्नर, फ्री किक, पेनल्टी, गोल असिस्ट, इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में 2 गोल कर चुके हैं और बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, तो मैं माटूक को पिक करूंगा। इनकेस अगर आपको लग रहा है एक नैरो मैच होगा, क्लोज मैच होगा, तो आप इनको स्मॉलिंग में चाहे तो वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने साडेक को पिक किया, भी अटैकिंग वाइज अच्छे हैं, थोड़ा बहुत डिफेंसिव वर्क करते हैं, बाकी अगर आपको लगता है साडेक फ्लॉप होंगे, एक गोल साडेक ने भी मारा है, तो आप चाहे तो साडेक के प्लेस में डिफेंस में शोर ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं साडेक और माटूक दोनों को पिक करके गया हूं। अलहाज ठीक ठाक है, लेकिन फॉरवर्ड सेक्शन में ऑलरेडी मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, तो मैं इनको पिक नहीं कर पाया। बाकी मरका भावी ये इनके नंबर 9 होंगे, लेकिन बिना गोल असिस्ट के भी ज्यादा पॉइंट नहीं देंगे और ये भी फॉरवर्ड सेक्शन में लिस्टेड है, वहां ऑलरेडी मैं माटूक, सुनील छेत्री और छांगटे को पिक करूं, तो मरका भावी और अलहाज के लिए मेरे पास स्पॉट नहीं था, तो फिलहाल मैंने इन दोनों को ड्रॉप किया है। तो ये लेबनान की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीजें मैंने यहां से भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। पेनाल्टी जो है माटूक लेंगे और ये मैंने लेबनान के इस टूर्नामेंट के स्टैट लिखे हैं। अभी जो मेरी प्रिडिक्शन रहेगी इस मैच की, मैं 2-1 या 2-0 टीम इंडिया के विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ। आई थिंक हम अपने घर में क्लियर कट फेवरेट टीम
और हम यहाँ पे जो है फाइनल में एंट्री करने वाले हैं। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने लेबनान के लिए, लेकिन आप चाहे तो टीम इंडिया के गोलकीपर ले सकते हैं उसके लिए, बट आपको इन तीन में किसी एक डिफेंडर अनवर अली या पुजारी में ड्रॉप करके लेबनान के जो डिफेंडर है शोल लेना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे इंडिया का गोलकीपर पिक कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैंने लेबनान का गोलकीपर लिया, मैंने तीनों इंडिया के डिफेंडर भी लिए, अनवर अली, निखिल पुजारी, आकाश मिश्रा, जिनको मैंने ड्रॉप किया वो रहेंगे राहुल बैके। बाकी मिडफील्ड में मैंने अनिरुद्ध थापा लिया, मैंने नौरव महेश सिंह को पिक किया, आप इनके प्लेस में चाहे तो सैल अब्दुल समद ले सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने साडेक और सरोर को पिक किया। फॉरवर्ड में मैंने छांगटे, मटूक और मैंने हमारे कैप्टन सुनील छेत्री को पिक करके कैप्टन किया है। तो छेत्री डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, वाइस कैप्टन अगर आप टीम इंडिया को पिक करें, थापा बहुत अच्छी ऑप्शन है, इनफैक्ट छांगटे भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। आई थिंक ड्यू है, आई थिंक मुझे गट फील आ रहा है कि इनका एक बहुत अच्छा मैच वाला आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है क्लोज मैच होगा, आप मटूक को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी। मेरी अपडेटेड फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।